देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है, इफ टेन ए इक्वल टू 1/7 टेन बी इक्वल टू 1/3 सो डेट कॉस 2 ए इक्वल टू साइन 4 बी। तो पहले हम लोग एल एच एस लेते हैं कॉस 2 ए, तो इसके लिए देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टेन के फॉर्म में, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, 1 माइनस का 1/7 का स्क्वायर और बाई में 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस का 1/49 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का 1/49, ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, ऊपर 49 एलसीएम होगा 49-1 और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 49, तो आ जाएगा 49 और प्लस का 1, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आपका 48 और नीचे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो 24 और बाई में 25 इसका आंसर हो गया, ठीक है 24 बाई में 25 ही आ गया एलएचएस। अब आरएचएस देखते हैं, सेम आ रहा है कि नहीं, हमें प्रूव करना जी, साइन 4 बी, तो इसे एक काम करते हैं साइन 2 में 2 बी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin 2b cos 2b। अब देखिए दोनों जगह हम लोग फॉर्मूला होता है साइन 2b का भी और cos 2b का भी tan के फॉर्म में, 2 में इसका होगा 2 tan b बाई में 1 प्लस का tan स्क्वायर बी, और यहाँ इसका हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर बी और बाई में 1 प्लस का tan स्क्वायर बी, tan b का वैल्यू आपके पास 1/3 है, यहाँ पे रखते हैं देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 1/3 बाई में 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और बाई में 1 प्लस का 1/3 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 4/3 नीचे एलसीएम हो जाएगा, आप पहले 1 प्लस 1/9 कर दो, उसके बाद प्लस 1 माइनस 1/9 और बाई में 1 प्लस का 1/9। चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इनटू है यहाँ पर, चलिए देखिए 4/3 और नीचे आपका एलसीएम होगा 9 प्लस का, अच्छा पल इनटू में यहाँ पे एलसीएम होगा 9 माइनस का 1 और नीचे एलसीएम होगा 9 प्लस का 1, ये 9 से ये 9 कट जाएगा यहाँ पर, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये काट देंगे 3 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4/1 में ये चला जाएगा 3/10 हो जाएगा और यहाँ पर 8/10 हो जाएगा, ठीक है 8 और बाई में यहाँ 10। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ 2 से काटते हैं 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, इसे 2 से काटते हैं 2 टाइम्स में, इसको 5 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर 24 और नीचे 25, आरएचएस भी यही आ गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो जा रहा है, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलिए तो